सनातन धर्म में हर मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही खरमास के समय में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और ना ही कोई काम शुरू करते हैं। आज 14 मार्च से खरमास की शुरुआत हो रही है। खरमास के दौरान विवाह, मुंडन, सगाई, जनेऊ, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं होते हैं। खरमास भगवान विष्णु को समर्पित है, ऐसे में इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार वर्ष में दो बार खरमास की स्थिति आती है। सूर्य हर महीने एक एक राशि में भ्रमण करते रहते हैं, तो जैसे ही गुरु ग्रह की धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो एक महीने में एक एक माह के लिए खरमास लगता है। विगत समय में धनु अर्क खरमास लगा था, यह मकर संक्रांति के एक महीने पहले था। संक्रांति के दिन इसकी समाप्ति हुई थी। दूसरा खरमास फाल्गुन माह में लगता है, जो आज यानी 14 मार्च से दोपहर 12:34 से शुरू हो रहा है और जो कि 15 अप्रैल तक रहेगा। खरमास के दरमियान सूर्य जब गुरु ग्रह के मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो किसी तरह के मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश, शादी कार्यक्रम, अन्य बड़े आयोजन में विराम लग जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इस दरमियान मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। कि हमारे ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार वर्ष में दो बार खरमास की स्थिति आती है। यह खरमास यह होता है कि सूर्य हर माह एक एक राशि में भ्रमण करते रहते हैं, तो वो जैसे ही गुरु ग्रह की धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो एक माह के लिए खरमास लगता है। विगत समय में जो खरमास लगा था, जिसको धनु अर्क बोलते हैं, जो कि मकर संक्रांति के पहले एक माह तक था, जो मकर संक्रांति के दिन उनकी समाप्ति हुई थी। दूसरा खरमास जो है अभी फाल्गुन महीने में लगता है, जो कि इस समय 14 मार्च गुरुवार के दिन दोपहर 12:34 से प्रारंभ होगा, जो कि 15 अप्रैल तक रहेगा। इस खरमास के दरमियान सूर्य जब गुरु ग्रह की मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो किसी तरह भी मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि अन्य बड़े जो आयोजन प्रयोजन है मांगलिक कार्य के, इस तरह के उत्सव को विराम दे देते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस दरमियान जो है इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए। लेकिन इस खर मास में जितना अधिक से अधिक हो सके देवी देवताओं की पूजन, कुल देवता की पूजा, पितृ देवताओं की पूजा इत्यादि करना चाहिए। यही कारण है कि इस खर मास में नवरात्रि पर्व भी पड़ती है, तो अच्छे से धूमधाम से नवरात्रि पर्व में भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद कब से फिर शुभ लग्न चालू होंगे, फिर विवाह के लिए कब से लग्न? जैसे ही 15 अप्रैल को खर मास समाप्त होगा और उसके तुरंत दो दिन बाद ही 18 अप्रैल से विवाह का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएगा। इस बार अप्रैल में 18 और 26 दो मुहूर्त दिए गए हैं, उसके बाद फिर आगे के माह में भी पंचांगकर्ताओं के द्वारा अलग अलग मुहूर्त प्रदान किए गए हैं। लोकलिटी इन रायपुर से राम नायक की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।